नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना जो भी आपके लिए आज एक्शन में थे, चाहे वो अदानी ग्रुप हो, चाहे वो BSE का शेयर हो, चाहे वो NIACL या GIC RE के स्टॉक हो, जो भी आपके लिए आज एक्शन में आए हैं उन सब के बारे में शॉर्ट में समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करना चाहूंगा आज के सबसे एक्टिव काउंटर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। देखिए, आज की सारी तेजी थी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बाजार इसको काफी पॉजिटिव ले रहा है, और स्टॉक्स जिस वजह से गिरे थे वो वजह गलत लग रही है मार्केट को, इसीलिए उन्होंने रिबाउंड किया। क्या कल भी भागेंगे? देखिए, ये कमेंट करना बहुत मुश्किल है, ये एकदम गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। मैं कह दूं हाँ और कल भागे तो आप लोग कहोगे वाह भाई ये बंदा तो बहुत सही बोलता है, इसको फॉलो करो। ये कुछ नहीं है भाई, ऐसे ऐसे फॉलो एक दिन के जजमेंट से या फिर ये तुक्के मारना होता है एक तरीके से। मेरे को क्या पता भागेंगे नहीं भागेंगे, ये तो भगवान जी बता सकते हैं स्वयं। तो आपको इस तरीके के कमेंट जो कर रहे हैं उनसे थोड़ा सावधान। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं पॉजिटिव मूड माहौल है, वॉल्यूम्स आई है, तेजी आई है, सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए शायद शेयर कल भी चल सकते हैं, ये पॉजिटिव। ऐसे कोई बोल रहा है दैट इज ओके, कोई ये बोल रहा है कल भी 10% भागेगा ये, वो तो यार फ्रॉड बनती है फिर तो। तो आपको अपने आप समझना है, जो चीजें हैं वो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनीज के लिए, इसीलिए शेयर्स के प्राइस भी आपको पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका BSE। भैया जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और जेफरीज अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि ये स्टॉक 2700 रुपए जाएगा, और उन्होंने कवरेज स्टार्ट करी है और स्टार्ट करते ही काफी पॉजिटिव दिखे हैं, और पॉजिटिव के साथ साथ टारगेट भी काफी बढ़िया आए हैं 2700 रुपए के लक्ष्य। सेम चीज ना थोड़े दिन पहले रेमंड के साथ भी करी थी, ये मैंने आपके साथ दिन वाली वीडियो में भी चीजें कही थी, जहां पे स्टॉक का भाव 1950 का था, कवरेज शुरू करी और टारगेट दिए 30% ऊपर 2600 रुपए के। शेयर का प्राइस उस दिन तो 15% भागा, 2200-2300 रुपए का हाई लगाया, उसके बाद आज 1450 रुपए पे धक्के खा रहा है, कोई नहीं ले रहा 1450-1500 रुपए। तो आप एक दिन की तेजी, एक दिन की रिपोर्ट को देखते हुए शेयर नहीं खरीदते हो कभी भी, आप अपने विजन से कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए शेयर में निवेश करते हो और फिर गिरावट में एवरेज करते हो। रेटिंग कंपनियों का क्या है, इन्होंने आज से 2 क्वार्टर पहले यानी 6 महीने पहले TCS को बोल दिया था 2600 रुपए जाएगा, इन्फोसिस को बोल दिया 900 रुपए जाएगा, अभी जब शेयर वापस आए तो थोड़ा इन्होंने रिवाइज कर दिया अपने आप को। ये तो शेयर के प्राइस पलटते रहते हैं और शेयर के प्राइस के साथ ये ब्रोकरेज कंपनियां भी पलटती रहती हैं। तो सिंपल सा फंडा है भैया, आपका पैसा है, आपको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, जो भी खरीद रहे हो अपनी सर्च जरूर होनी चाहिए, तभी पैसा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। NIACL और GICRE, ये ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर काइंड ऑफ मूव देते हैं, बट आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। NIACL यानी कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, देखोगे 213 पे ओपन हुआ, 203 का लो लगा के 237 का हाई लगाया, 237 का क्लोजिंग आई 226 पे, लेकिन 8% ऊपर था। वहीं भैया इनके हमदर्द पार्टनर की बात की जाए, GICRE जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खुला 307 पे, इसने भी लो लगाया 296 का, हाई इसने भी 336 का लगाया ऊपर में 8% ऊपर, लेकिन बंद होते होते 311 हो गया, यानी कि 1.5% की तेजी। ऊपर से देखोगे तो लगभग 25 रुपए गिरकर, जी हाँ 25 रुपए गिरकर बंद हुआ, यानी 7-8% गिरकर बंद हुआ है टॉप से। ये फिर तो मेरे को लग रहा है एक मौका बन गया ना, क्योंकि दोनों में गैप हो गया, लेने का मन मर गया इसको। तो ये चीज मैंने चेक नहीं करी थी क्लोजिंग में, अदरवाइज मैं आपके साथ जरूर शेयर करता, टेलीग्राम पे तो जरूर ही करता। तो ये अच्छा दिख रहा है मेरे को, बाकी अभी लेने के लिए नहीं, एक दो दिन और वॉच करते हैं, क्या पता कल NIACL गिर जाए और ये ना गिरे। OMC कंपनीज पे भी सेम चीज, रिपोर्ट जारी हुई है, आगे का मोमेंटम बढ़िया लग रहा है और शेयर्स भाग रहे हैं। अब HPCL की बात की जाए तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो ऐसे घोड़े पे बैठ गया जो फुल एनर्जी के साथ दौड़ रहा है। थोड़े दिन पहले 10-15% भागा, आज फिर 7%, 342 का भाव आ गया है शेयर में। देखिए सारी OMC कंपनीज अच्छी दिखती है, साथ ही साथ HPCL, BPCL और आपका IOC, ये तीनों अच्छी हैं। HPCL की भी बात करें तो 7% भागा है, BPCL की बात करें तो वहां भी तेजी आई है, IOC भी अच्छा करता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक क्वालिटी शेयर्स हैं, बट खरीदारी के लिए मेरे पास अभी कुछ वर्ड्स हैं नहीं। टाटा पावर, ये है दमदार कंपनी जो उतनी तेज नहीं भाग रही कि लेने से डर लगने लगे। कंपनी ने आज कुछ बड़े अनाउंसमेंट करी, जहां कंपनी ने कहा अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में 60,000 करोड़ का केपेक्स करने जा रहे हैं हम,
और उस केपेक्स में से 45% रिन्यूएबल्स में करेंगे हम। तो कंपनी ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी जिसके बाद ये शेयर भागता हुआ दिखाया। एनएमडीसी, ये मैंने आपके साथ शेयर करे हुए हैं, ये सारे के सारे स्टॉक से अच्छे अच्छे भाव पे, चाहे वो अदानी ग्रुप से अदानी पावर हो 250 पे शेयर किया था, टाटा पावर हो 235 पे तो एक महीने पहले किया है, अदरवाइज मैंने इसको अप्रैल सीरीज में 198 पे शेयर किया था आप सभी के साथ, लेके बैठ जाओ। आपका एनएमडीसी 160 पे भी दो हफ्ते पहले ही शेयर किया है आप सभी पे। भैया हाइयर हाई चल रहे हैं, मैं दो साल पहले की बात करूं तो ये 175 180 का हुआ करता था, तब ओएफएस आया, ओएफएस आने के बाद ये शेयर टूटा, तब से ऊपर नहीं आया। एनएमडीसी का स्टील जो शेयर है वो डीमर्ज हो गया, तब से शेयर टूट रहा है, अब कहीं जाके दोबारा उन लेवल्स को ब्रेक करा है। और तब इन भाव में ना ब्रोकरेज हाउस 215 की रिपोर्ट निकाल रहे थे, 100 रुपए का हो गया, ये ब्रोकरेज हाउस के चक्कर में मत फंसना। लेकिन अभी ये शेयर दमदार दिख रहा है, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप जरूर फॉलो करते चले इस स्टॉक को, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।